मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? और आज है डे 6 और अब आप लोग जब ये व्लॉग देख रहे होगे तब डे 8 होगा, मतलब 8वां दिन होगा नवरात्रि का। तो आप सबकी नवरात्रियाँ कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। मेरे जैसे चल रही है या मैं जैसे पहले करती थी वैसे चल रही है? बाकी मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ क्योंकि पापा बाहर सो रहे हैं और टाइम बता तो 7 बज रहे हैं सुबह के। मैंने कल बताया था, जिन लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा उनको पता है कि आज क्या है, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ 7 बजे की। और मैं क्या कर रही हूँ, चाय नाश्ता करने बैठी हूँ और मम्मी खड़े खड़े कर रहे क्योंकि उसका ऑपरेशन करवाया है तो डॉक्टर ने उसको बैठने को मना किया। तो फटाफट से चाय नाश्ता करते हैं फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। 10 बज रहे हैं और सारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। मम्मी ये पूरियों के, इसको क्या बोलते हैं मम्मी गुजराती में, तो गुल्ले बोलते हैं, ये गुल्ले कर रही है। बाकी दाल बन गई है, चने बन गए। भाई मेरी मम्मी चने बहुत मस्त बनाती है। आज तो मैं चने और कहाँ गए ये राइस ही खाऊंगी। राइस बन गए है मम्मी, इसको दूध पाक बोलते हैं कि खीर बोलते हैं? दूध पाक भी बन गया है अपना, तेरे को भी नहीं पता है खीर बोलते हैं। खीर बन गई है, बाकी आलू की सब्जी ये बन रही है और अभी हम यहाँ पे पापड़ तलेंगे और पूड़ियाँ भी तलेंगे। एक्चुअल में मुझे ना जो राइस के पापड़ होते हैं जो मम्मी बनाते हैं ना वो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे घर के ही पसंद है, बाहर के नहीं पसंद आते। बाकी मम्मी तो फटाफट कर ले ताकि 10:30 बजे तक हम लोग फ्री हो जाए, तो मैं थाल भी चढ़ा दूँ भगवान को और दिया भी कर दूँ। जल्दी करना बे, क्या कर रही है? हाँ ठीक है, चल धीरे धीरे कर। पूरी रसोई तैयार है, ये सब भगवान को चढ़ा दी, पापड़ भी सेक दिए, पूड़िया भी कर दी, पानी भी भगवान को चढ़ा दिया। ये लड़कियों के लिए मैंने हाथ में बांधने के लिए, इसको नरासटी बोलते, ये कुमकुम चावल दिया भी कर दिया, और जो लड़कियों के लिए गिफ्ट लाए थे वो, और केला माता जी को धरा दिया, माता जी को बिंदी कर दी, सब कर दिया, पूजा भी कर दी, थाल भी बोल दिया मैंने। अभी बस लड़कियों का इंतजार है। बाकी बाहर ऑलमोस्ट सारा सेटअप मैंने सेट कर दिया है, लड़कियों को बिठाने के लिए आसन भी बना दिए और सारा मतलब जो लंच है वो वहां पे रख दिया है। विधान इधर देख, गुड मॉर्निंग नवाब हमारे। मैंने तेरे को बोला था ना कल कि 9 बजे उठ जाना, तो क्यों नहीं उठा? बच्चियों ने तो खा लिया, अभी ये बड़ी बच्ची और ये बड़ा बच्चा खा रहा है और मैं भी खा रही हूँ। मेरे को और विधान को आदत है कि जो भी ये सब हो ना, चने वने, उसको हम राइस के साथ ही खाते हैं, वो भी वैसे खाता है, मम्मी भी वैसे खाई। ओ माय गॉड, मम्मी ने कितना सारा, विधान जल्दी दे, दाल चावल कितना सारा लिया। 6 बज रहे, मैं जस्ट अभी उठी हूँ, मैं सो गई थी दोपहर को, मम्मी ने टीवी लगा दिया था, सीरियल देखते देखते मैं सो गई, फिर विधान और पापा गए थे, निकोल गए थे ना विधान, निकोल गए थे, तो वहां से आया तो विधान मेरे को उठा रहा है। मैंने बोला यार क्यों उठा रहा है, सोने देना। तो पापा उनके एक फ्रेंड को लेके आए थे तो पूछ रहे थे क्यों गरबा गाना चाहते। मैंने बोला नहीं, मेरे को तो ऐसे ही नींद आती है, मैं गरबा वरबा कुछ गाने नहीं जाती हूँ। विधान ने मस्त मजे की चाय बनाई। मम्मी तेरे को चुप नहीं रहता था 2 मिनट? बबड़ू चालू ही रहती है उसकी पीछे से, मैं उसको पता है मैं शूट कर रही हूँ फिर भी बोलती ही रहेगी। तो विधान ने मस्त मजे की चाय बनाई, मैंने चाय पी विथ खाखरा। अभी बैठी हुई हूँ, 2-3 फ्रेंड्स का फोन आया कि चल गरबे खेलने जाते हैं। मैंने बोला नहीं आना है, कल शायद प्रेरक आ रहा है घर, यस, तो कल तो डेफिनेटली जाना ही है गरबे गाने के लिए। बाकी आज का देखते हैं, पता नहीं, कुछ पता नहीं। और आज व्लॉग शूट करने का भी टाइम नहीं मिला है मेरे को, 6 बज गए, लेकिन आप लोगों ने आगे की क्लिप देखी होगी, वो 2-3 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो देखते हैं आज के अभी के नेक्स्ट डे में क्या करते हैं पूरा। 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो के फ्रेश हो गई, क्यों? क्योंकि घर पे आरती करनी है। और आज मेरी फ्रेंड पिक्की का मेरे को कॉल आया कि चल आज गरबा खेलने जाते हैं। मैंने बोला नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो उसने मेरे को इतनी बड़ी सुनाई और बोली आना ही पड़ेगा आज तेरे को, बहुत नाटक हो लिए तेरे, तू अहमदाबाद आई तब से आ ही नहीं रही हम लोगों के साथ, तुझे मैं आज लेके ही जाऊंगी। तो वो आ रही है, उसके साथ मेरे को जाना है, लेकिन 8 बज गया। तो आज हम लोग 1 घंटा लेट है, मम्मी लेट है आज 1 घंटा। अभी घर की पूजा करेंगे, उसके बाद मैं सीधा खाना खा के रेडी होने चली जाऊंगी। अभी जुगाड़ करना पड़ेगा चनिया चोली का, क्योंकि मैं 3 घाघरा लाई थी, जिसमें मैंने ब्लैक घाघरा तो मैंने अभी पहन लिया कल के शूट में, लेकिन घर पे गाने नहीं गई मैं उस घाघरे में, तो कोई बात नहीं, वो घाघरा पहनने के कोई अभिमान नहीं है अपने को, पहन लेते हैं अपन सब जो भी मिलता है वो। बाकी लेट्स सी
कितने बजे तक तैयार होती हूँ, पिक के अभी घर आ रही है। तो यहाँ से हमको जेवियर्स जाना है तन्मय लोगों के साथ। देखते हैं, पास का सेटिंग तो हो गया, लेकिन लेट्स सी कितने बजे तक हम लोग गरबे गाते हैं नहीं गाते, क्योंकि तन्मय अपनी फैमिली के साथ जा रहा है और हम लोग अब फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं। तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। पहले तो हम लोग पूजा कर लेते हैं। आरती हो गई, प्रसाद में जो सूरत से मिठाई लाई थी वही चढ़ा दिया है भगवान को, और मस्त आरती हो गई। पापा गंजी पहन के बाहर बैठे हैं, आरती की थाल वहां पे रख दी है। विधान कुछ देख रहा है उसका। मम्मी मैं सेक रही हूँ ना भाकरी, तो सिर्फ बेल। और साला डिनर भी हमारा हो गया है। ये भाकरी बन रही है मस्त मजे की, ये आलू और अनियन की सब्जी, और खिचड़ी भी बाहर पड़ी है, और ये दूध भी गर्म कर दिया। ऊपर आई हूँ रेडी होने के लिए, ये मेरा थैला लेके, अभी इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं। और मेरी ज्वेलरी थोड़ी सी यहाँ पड़ी ही रहती है, ये वाली है और ये वाले बहुत सारी है, इतनी नहीं है बहुत सारी है, क्योंकि मुझे जैसा गरबे का शौक था ना पहले, वैसे किसी का भी नहीं होगा। तो पहले मैं देखती हूँ कि कौन सा जुगाड़ करती हूँ, क्या पहन लूँ क्या नहीं। मैं हो गई हूँ रेडी, बस वही डाल दी है चोली, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना सारी चोली उसकी फिटिंग की कर दी है, मेरी फिटिंग की कोई है ही नहीं। तो कल प्रेरक आ रहा है ना, तो कल मैं मम्मी को बोलूँगी मेरी जो चोली है ना वो मेरी फिटिंग की कर दे। बाकी दो दिन पहले मैंने दुपट्टा अलग डाला था, आज दुपट्टा अलग डाल रही हूँ। और सोसाइटी में अनाउंसमेंट होगा, जिसको बाहर निकलना है वो निकल जाओ, बाकी हम लोग रोड ब्लॉक कर रहे। तो मैं जा रही हूँ अभी बाहर, सिर्फ बिंदी लगानी बाकी है, वो लगा के अपने निकल देते हैं, क्योंकि 9:30 बज गए हैं। तो लेट्स गो। तो ये रही मेरी दोस्त जिसके साथ मैं आई हूँ अभी, बहुत सारे दोस्त अंदर हैं, उनके साथ गरबा खेलेंगे अभी। तो पार्किंग में हम लोग देख रहे हो, पीछे पार्किंग पूरा फुल पार्किंग है, निकल रहे हैं अंदर जाने के लिए। और अंदर जाके मैं सिर्फ आपको थोड़े थोड़े सी क्लिप दिखाऊंगी, क्योंकि फिर कॉपीराइट लग जाता है, ऐसा सब होता है। तो फटाफट से जाते हैं अंदर, दोस्त 3-4 लोग अभी वेट कर रहे हैं अपना, गरबा भी खेलना है। इतना मैं जेवियर्स कॉलेज आना है, तो यहाँ पे आए अपने, और बहुत भीड़ तो लग नहीं रही है, कम कम लोग ही लग रहे हैं, जाते हैं अंदर। Thank you.
कपल अभी, वो कितना लंबा है और ये कितनी छोटी है। व्लॉग ले रही हूँ, व्लॉग। सबको किस कर दी इसने तो। आपको सारी ओरिजिनल साउंड वाली क्लिप दिखी होगी क्योंकि वहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं था, लाइव ही बज रहा था, जो भी बज रहा था वो तो कॉपीराइट नहीं लगता है, तो मैंने लाइव ही पूरा ले लिया। और हम लोग निकलते क्योंकि हम लोगों को है ना जो गाते हैं ना देसी ढोल उसमें ही मज़ा आता है, ये सब पीपुड़े वीपुड़े में मज़ा नहीं आता। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी बाहर, पूरा फोटोग्राफी सेशन करते हैं, उसके बाद घर जा कर सो जाते हैं। देखो हमारा फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, हम तीन लोग निकल गए बाहर और बहुत सारी पब्लिक बाहर जा रही है, दिख रही होगी आपको पीछे हमारे जैसे ही। तो अभी जाते हैं घर, थोड़ा बहुत बाहर जाके पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद घर जाके सो जाते हैं। कल सुबह मम्मी, प्रेरक और आशु तीनों तीन आ रहे हैं, प्रेरक मम्मी और आशु को मेहसाणा ड्रॉप करके उसके बाद अहमदाबाद आने वाला है। तो लेट्स सी कल कितने बजे वो आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी ये ख़त्म हो उसके बाद निकलते हैं यहाँ से बाहर। फ्रेशन अप हो गई, घर आ गई। टाइम बता दूँ आपको तो 1:30 बज रहा होगा, बहुत ज़्यादा बज नहीं रहा है, बस इतनी जल्दी आ गई। बाकी कभी मैं गरबा खेलने जाऊँ तो इतनी जल्दी घर वापस नहीं आती हूँ। वहाँ पे एक्चुअली मैं लाइव नहीं था या फिर डीजे भी नहीं था, सिर्फ शरणा ये ऊपर गाता था, इतने मज़ा ना आई हमने। और पता नहीं क्यों मेरे को आज इस बार इच्छा ही नहीं है नवरात्रि करने की, इसीलिए मज़ा नहीं आया। तो मैं घर आ गई, बीच में हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि पिक्के है जो मेरी दोस्त, उसकी कल जॉब चाह रहे, तो वो बोले कि चलना रुचा अभी घर चलते हैं, फिर मैं जल्दी से उठ नहीं पाऊंगी घर। अभी कल का सीन क्या होता है वो देखते हैं। बाकी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो बेटा थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।